नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने संगठन की प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य के नेतृत्व में बैठक किया। बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने बजट से खुद को उपेक्षित बताया। उन्होंने कहा कि बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को मानदेय रिलीफ की उम्मीद थी, लेकिन कुछ भी नहीं दिया गया। बैठक में 8 मार्च को महिला दिवस पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने उत्सव के रूप में नहीं मनाकर विरोध के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य ने कहा, दूसरी समस्या क्या है? वही फीडिंग वाला है। अगर सरकार मोबाइल नहीं दी हम लोगों को, कहीं करवा नहीं। बात तो सरकार दीदियों के पास मोबाइल मोबाइल टावर कौन लगवाएगा? आज हम लोग किस बात को लेकर बैठक चल रही है? ये आंगनबाड़ी संगठन की एक बैठक है। गोरखपुर जिले की जिला कमेटी और ब्लॉक कमेटी यहाँ उपस्थित हुई है। ब्लॉक में तमाम समस्याएं हैं और जिले में उस समस्याओं को हम लोग रख करके उसका निर्णय लेते हैं और कैसे समस्याओं का समाधान होगा, इसके लिए ये मीटिंग रखी गई है। सब लोग अपनी अपनी बात को रखी हैं और उसका समाधान के लिए वही पत्र बन रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, सब लोगों को ये उम्मीद थी कि सरकार द्वारा जो भी संस्था चलाई जा रही है ICDS विभाग के माध्यम से, तो उसके लिए जो बजट का प्राविधान था और उसके लिए जो पारिश्रमिक था आंगनबाड़ी वर्कर्स का, वो पारिश्रमिक बहुत कम है। और उसी को लेकर की ये बैठक चल रही है कि तमाम समस्याएं रोज़ जड़ती चली जा रही हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हम लोगों को काम से जोड़ दिया गया है। आगे सर, इसके लिए क्या करेंगे मांगे? तो ये यहाँ पर इस तरह की रणनीति बन रही है और अभी आने वाले 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उस महिला दिवस पर हम महिला दिवस को उत्सव के रूप में ना मना करके और विरोध के रूप में मनाने की एक योजना बन रही है।